सफर की हस्ती बिल्कुल सेमीफाइनल है भाई और उनके साथ चला रहे हाजी बाकर साहब जो इस टाइम स्टेज इज इन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को पंजाब मैक्स में खुशामदी। सेमीफाइनल टकरा चार ओवर्स का मैच, पहली इन इमरान खान उस्मान जान पट्टा करेंगे सामना। बॉलर है जेबी फालिया, बैट्समैन उस्मान जान पट्टा। और हवा में खेलेगा शॉट, फील्डर बॉल के नीचे, दिस कुड बी आउट। ड्रॉप्ड, कैच ड्रॉप कर दिया गया, विकेट कीपर गए थे बॉल कैच करने के लिए लेकिन जजमेंट करने में रहे नाकाम। राणा हामिद, शुक्रिया मिस्टर हामिद, वेलकम टू पंजाब मैक्स। सेमीफाइनल मुकाबला, वेलकम 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 दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल टकरा। इनमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में खेलेगी जनाब साही 11 डस्का के साथ। साही 11 डस्का ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल मैच के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला जारी, दूसरा सेमीफाइनल। अच्छी खासी हाइट से उस्मान जान पट्टा करेंगे सामना। अच्छा बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर भी बॉल करते हैं, देखना है पहले ओवर का स्ट्रेटजी के साथ। दूसरा बॉल करेंगे जेबी फालिया सामना करेंगे उस्मान जान पट्टा। पहले बॉल पे कैच ड्रॉप किया था, क्रॉस किया, गुड बॉलिंग, वेरी वेल बॉल पे जेबी फालिया, एक्सेलेंट बॉल यार। दो गेंद पर दोस्तों दो रन आज के हैं। प्रतीक खान का है जनाब जेबी फालिया आउट कर सी। मैच तो चलते रहेंगे, दांत देनी पड़ेगी जनाब हमारे हाजी 11 बैटिंग करते हुए जो इतनी देर तक हमारे मैदान में बैठी रही है। हम बेहद मशहूर हैं जनाब, जितनी भी आवाम अमूल मिर्जा लिए खास रहते आई है उनका बेहद शुक्रिया जनाब। उसके साथ साथ जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनकी अंथक मेहनत है जो इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं जनाब 15 से 20 ब्रॉडकास्टर्स। राणा हामिद हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम टू पंजाब मैच। नंबर 2 रन आज के, तीसरा बॉल सामना, बॉल बेहतरीन शॉट, वेल बैटिंग, 6 रन उस्मान जान पट्टा। 3 गेंद पर दोस्तों 8 रन उसके हैं, कैच इन द मैच इज है, कैच छोड़ोगे तो जबरदस्त। और इस सेमीफाइनल के लिए आज के अंपायर आकिब इलियास, AK-47 ओमान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, इसके बाद फाइनल मैच हामिद, बहुत शुक्रिया। उस्मान जान पट्टा करेंगे अगले बॉल का सामना। 3 गेंद पर 208 रन आज के, चौथा बॉल सामना करेंगे उस्मान जान पट्टा। वेल बॉलिंग, बीट कर दिया बेहतरीन लाइन और लेंथ। वेल बॉलिंग जेबी फालिया, 8 रन दिए हैं, बड़े बॉलर की बड़ी निशानी कम बैक करते हैं। दो बॉल रन काट के दोस्तों जो स्पॉन्सरशिप है जनाब शानी भाई है उनके साथ ऑनर है जनाब फर्स्ट बैटिंग आ रही है उनके ऑनर हाजी अफसान साहब जनाब बेहतरीन कॉम्बिनेशन टीम का बना हुआ है। अच्छा बॉल एक बार फिर, विकेट भी हुए हैं इस दफा और अंपायर की क्या कॉल है, अंपायर की कॉल है जनाब वाइड बॉल, वाइड बॉल, दो स्कोर का इजाफा। राणा हामिद भाई ये सेमीफाइनल जारी, नफीस भाई सेमीफाइनल, इसके बाद होगा फाइनल, जीतने वाली टीम फाइनल मैच खेलेगी साही 11 डस्का के साथ। साही 11 डस्का के साथ खेलेगी ये सेमीफाइनल, जीतने वाली टीम फाइनल मैच।
फाइनल में है साहिल एलाउंडर्स का, जिसमें जेबी भट्ट और अरुण गक्कर अहमद कुल्फी खेलेंगे एज ए ओपन प्लेयर। फाइनल में तो जनाब आपको मैंने बताया तो है पहले उठा पांच बॉल करेंगे सिंह कमाल बॉलिंग पांच गेंदे दोस्तों रन आज के हैं दस गुड शॉट स्टेट द फील्ड जस्ट अ सिंगल चार चार ओवर का मैच है 17 19 ओवर का खेल अभी बाकी है दोस्तों। नफीस भाई बहुत शुक्रिया। चार ओवर का ये मैच रईस है ना और बहुत ऊंचा शॉट 17 रन 17 रन पहले ओवर के खात्मे पर। अगर बात कीजिए उस्मान जान भट्टा की तो मेला लूट कर लेंगे उस्मान जान भट्टा। पिछले मैच में 100 रन किया था उस्मान जान भट्टा ने, अकेले वन मैन आर्मी शो किया था। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए उस्मान जान भट्टा और इनके अलावा जितने भी प्लेयर यहाँ पे तशरीफ लाए तमाम के तमाम प्लेयर्स को पूरी ज्यूरी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। जितना क्राउड यहाँ पे तशरीफ लाया पहले ओवर में 217 रन आए हैं खुशामदीद कहते हैं। जितने भी गेस्ट तशरीफ लाए तमाम के तमाम गेस्टों को खुशामदीद कहते हैं। जो कमेंटेटर यहाँ पे तशरीफ लाए तमाम का शुक्रिया, खसूसी तौर पे गुजरात से दाऊद घोष तशरीफ लाए उन्होंने भी खुशामदीद, लाला हामिद और नफीस भाई बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह कसीर तादाद में तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और पहले ओवर के इख्तिताम पे 17 रन बटोरे हैं हाजी इलावत ने। देखना है लेफ्टी एसएसआई की तरफ से बेहतरीन बॉल शॉट खिलाने की कोशिश वेल बॉलिंग ज़ैन लेफ्टी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए विकेट एरिया में खेलना चाहते थे शाने चविंडा लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए कोई इनेक्शन नहीं कर पाए गेंद और बॉल के दरमियान बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन बैट एंड बॉल के दरमियान कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। ज़ैन अली ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए बड़ा अच्छा प्लेयर है ये बहुत ही पुरअज़म नजर आता हुआ गुड बॉलिंग डॉट बॉल अच्छी बॉल फ्री हिट को बड़ी खूबसूरती के साथ सेव किया है। बिल्कुल भी समझ नहीं पाया इस गेंद को। अरसलान भट्ट खेलना चाहते थे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर लेकिन
कोई कनेक्शन नहीं कर पाए करते हुए वहाँ पे सीनियर प्लेयर हैं, तजर्बाकार प्लेयर हैं, यकीनी तौर पे इमर्जिंग प्लेयर्स को तो फायदा होता ही होता है। एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपके साथ खेलते हैं तो आप चाहे जितने भी तजर्बाकार हो, बेहतरीन बॉल, धीमी गति बॉल, कीपर की चेस्ट एक बार से और शानदार फील्डिंग वहाँ पर थर्डमैन की जाती है। एक स्कोर है जबरदस्त कम बैक में से लेफ्टी 24 से 27 रन सॉरी 25 रन उसके दोस्तों मजम्मत कामों की टीम फिलहाल की जनाब आउट हो सॉरी आज का आउट हो गया और अब सामने है क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी पहले इनिंग दूसरा ओवर पहले ओवर के खात्मे पर 17 रन से उस्मान जान पटा करेंगे अगले बॉल का सामना और लेग साइड की जानब बॉल अंपायर का इशारा वाइड बॉल 26 रन दूसरा ओवर जारी 4 ओवर्स का ये मैच 26 रन छब्बीस रन हो चुका है दूसरा ओवर जारी फिर से हाजी इलेवन की नुमाइंदगी करते हुए सत्ताईस रन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी जीतने वाली टीम सामना करेगी साही 11 टस्का का ओवर जो है वो एक इनिंग के लिए मुनक्कद किए गए इसके बाद आखिरी और बड़ा मैच फाइनल सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग ये चार ओवर है ना दूसरा ओवर पहले ही ने शॉट बिग फॉर अ बिग वन उस्मान जान पठा आज के हीरो बेहतरीन बैटिंग उसके अलावा तो आप इस बॉल को रोक नहीं पाएंगे एक मजीद छक्का बटोरा इन 6 रनों के इजाफे के साथ हाजी इलेवन में बनता हुआ स्कोर 33 बिना किसी 33 33 रन दूसरा ओवर जारी यहां पे थोड़ी सी मुश्किल का शिकार दो ओवर अभी मजीद बाकी है जैन अली बेहतरीन ऑलराउंडर है और बड़े तगड़े बॉलर हैं अपनी अगला बॉल सामने है उस्मान जान वाइड बॉल फाइनल में जनाब साहिल एंड उसका की कल की पहुंची हुई है चौंतीस रन दूसरा ओवर जारी 4 ओवर का ये मैच सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम सामना करेगी साही 11 टस्का का फाइनल मैच में राइट आफ्टर दिस इस मैच के फौरन बाद फाइनल मैच खेला जाएगा और डॉट बॉल मुकम्मल तौर पर बीट कर दिया उस्मान जान पठा को वेल बॉलिंग जैन अली बहुत कम रन देते हैं ये 34 रन मजमुई तौर पे दो ओवर के 34 34 रन खेल जारी और अभी हाजी से वाला वालेकुम साहब मेरी दो ओवर इसके बाद फैसल एफएस एफएस वेलकम की खुश आमदनी होया अभी तक हाजी रमन के पास एक बढ़िया गाल वाले पूल में एक फाइनल भी है आज वाले पास की उनके डबल में मौजूद फाइनल साही 11 टस्का ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल मैच के लिए और दूसरा सेमीफाइनल जारी दूसरा ओवर 36 रन अभी तक बेहतरीन शॉट जबरदस्त छक्का बॉल शॉट खूबसूरत शॉट 42 रन दो ओवर के बाद
42 रन्स दो ओवर के बाद। इक्कीस रन पर ओवर, 42 रन, दो ओवर्स का खेल है बाकी, दो ओवर्स का खेल है बाकी। इम्तियाज अली ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू पंजाब मैच। दो ओवर्स का खेल बाकी, चार ओवर्स का ये मैच, पहली इनिंग जारी। 42 रन आ चुका है दो ओवर्स में, 42 रन। सेमीफाइनल टाकरा, जीतने वाली टीम फाइनल मुकाबला करेगी सही 11 डस्का के साथ। इम्तियाज अली बहुत शुक्रिया जनाब। उस्मान जान पटा करेंगे सामने अगले बॉल का। ओह व्हाट अ शॉट, अनदर बिग वन। आज के हीरो उस्मान जान पटा भरपूर फॉर्म में, बेहतरीन बल्लेबाजी उस्मान जान पटा की तरफ से। 48 रन हो चुका है, 48, तीसरा ओवर जारी, 11 बॉल्स बाकी पहली इनिंग की, 48। चीम जाद भाई बड़ा जबरदस्त शॉट। वेलकम बैक, अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन की तरफ से, एक स्कोर का इजाफा, 49। 10 बॉल्स बाकी पहली इनिंग की, 49 रन। दस बॉल्स है बाकी पहली इनिंग के, सेमीफाइनल मुकाबला। मोहम्मद याकूब साहब कह रहे हैं ये 50,000 का मैच है, बिल्कुल मेरा रिश्ता देखा है, ये 50,000 का मैच। गैप में खेला गया शॉट, दो स्कोर और मना किया उस्मान जान पठा ने। तीन बॉल्स है बाकी इस ओवर की। उस्मान जान पठा एक बार फिर रजन, तीसरा उसका चौथा बॉल सामना करेंगे उस्मान जान पठा। और वाइड बॉल, वाइड बॉल है 51 रन उसके दोस्तों, 51 रन उसके दोस्तों, 51 रन। कैमरे वाले बच गए तुसी, 51 रन, तीसरा ओवर जारी, चार ओवर्स का ये मैच। वेल बैटिंग उस्मान जान पटा, उस्मान जान पटा काफी अच्छी बैटिंग करते हुए, दोनों टीमें सियालकोट की सेमीफाइनल टकरा। अगला बॉल, और बेहतरीन स्टॉक जस्ट ओवर द हेड ऑफ द फील्डर, 6 रन। वेल बैटिंग उस्मान जान पटा, आज का हीरो उस्मान जान पटा, उस्मान जान पट्टा अगले बॉल का सामना करेंगे, बेहतरीन बैटिंग उस्मान जान पट्टा की तरफ से। चार ओवर्स का ये मैच, सेमीफाइनल टकरा। बॉल
और लेग साइड की जानब खेल दिया है, एक स्कोर तेजी के साथ मुकम्मल किया और दूसरे के लिए जाना चाहते थे मोहम्मद याकूब। आज उस्मान जान के नाम, जी बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बैटिंग उस्मान जान पट्टा किया। और वाइड बॉल हो सकता है, वाइड बॉल 9 रन के दोस्तों। थ्रू आउट जनाब कमाल का वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, उनके साथ तीसरा ओवर जारी। तीसरा ओवर जारी, इसके बाद एक ओवर बाकी। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त छक्का, वेल बैटिंग, 65 रन, 65 रन 3 ओवर के बाद। तीन ओवर का खात्मा, आखिरी ओवर है बाकी, पहली इनिंग। एस एस आई सियालकोट वर्सेस हाजी 11 सियालकोट, उस्मान जान पठा, बेहतरीन बल्लेबाजी उस्मान जान पट्टा की तरफ से। छह बॉल्स है बाकी, छह बॉल्स बाकी। मोहम्मद यकूब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज का दिन उस्मान जान का। और अच्छा बॉल, 66 रन, 5 बॉल्स है बाकी, चौथा और आखिरी ओवर। पांच बॉल्स बाकी, डॉट बॉल, चार बॉल्स बाकी, चार बॉल्स है बाकी। बोल्ड कर दिया है, वेल बॉलिंग जमान पट, लेकिन
सियालकोट पकड़े, पंजाब पकड़े, पाकिस्तान लंबा छक्का, बेहतरीन शॉट, सलमान सल्लू के बैट से निकलता हुआ जबरदस्त छक्का। आप सब दोस्तों ने देखी है, जिला नर्मदा में बहुत से इवेंट हुए हैं, लाइट का इशू था तो लाइट सबसे जनाब गुजरात जो भाई है जनाब आखिरी ओवर सेमीफाइनल टकराव, और एक और जबरदस्त शॉट, 6 रन, 2 बॉल 100 छक्के, बेहतरीन बैटिंग, वेल बैटिंग सलमान सल्लू। बड़ा खूबसूरत ओवर जा रहा था ये एसएसआई के लिए, लेकिन एसएसआई के सामने अच्छा टारगेट सेट कर रहे हैं, दोनों पे 2 छक्के लगाए, दो बार कोशिश करना चाहते थे शॉट पिच कराया लेकिन पीस ज्यादा नहीं थी और पड़ गए इस पीस को सलमान सल्लू, और जिसी फाइनल एरिया में जिला छक्का रिसीवर में कामयाब हुए, उसके 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए, कामयाबी दिखाई बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में। तमाम दोस्त वीडियो शेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट दोस्त हमारे साथ मिलकर लास्ट बॉल साइड की जाना, वाइड बॉल रन आउट हो सकता है, वाइड बॉल इशारा अंपायर का, वाइड बॉल का इशारा, आखिरी बॉल जो भी इवेंट करवाते हैं जिला नॉर्मल में या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैच आखिरी बॉल, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, कमाल का स्ट्रोक, 3 बॉल पर 3 छक्के सलमान सल्लू की तरफ से, 79 80 रन का टारगेट, 4 ओवर्स में 80 रन चाहिए जीतने के लिए, 4 ओवर्स 80 रन का टारगेट, रन करने हैं जी। टूर्नामेंट की बात करते चले तो जफरवाल की जिला नरवल की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट करवाया गया था, जिसमें 2 डे एंड नाइट अमार बाबर, 2 डे एंड नाइट ऑल पाकिस्तान तहसील ओपन टूर्नामेंट का, मोहम्मद याकूब साहब कमेंट कीजिएगा, 4 ओवर्स में 80 रन का टारगेट, इसमें जनाब तमाम टीमें 2 दिन से जी बहुत शुक्रिया आपका, 4 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 80 रन, दोबारा कीजिएगा, 85 रन चाहिए, 85 रन, चार ओवर्स और जीतने के लिए 85, काफी बड़ा टारगेट,
आफाक गुजर भाई, इसके बाद फाइनल मैच है। चार ओवर्स ये बाकी हैं और चार ओवर्स के बाद शुरू होने जा रहा है फाइनल मैच। 85 रन चाहिए चार ओवर में जीतने के लिए। कमेंट दोबारा कीजिएगा मोहम्मद याकूब साहेब।85 रन का टारगेट 24 बॉलों पर। हमारी दुआएं हमेशा जो है वो चली पावर सिलानी और जितने भी स्पॉन्सर है चली हसीब राजपूत फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फैसल सऊद भाई उनके साथ जनाब जितने भी क्रिकेट लवर है उनके लिए हम अपनी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बेहतरीन ढंग से सजाया और इस फाइनल डे को चार चार लगाने के लिए जो सिलानी स्कोर बोर्ड में एक बार फिर तब्दीली, 86 रन का टारगेट है चार ओवर में। सेमीफाइनल मुकाबला 86 काफी मुश्किल टारगेट, बहुत बड़ा हदफ चार ओवर्स में। 85 क्या कर रहे हैं यार ये, अभी 85 कभी 86 कभी 87 कभी 81 पहला ओवर इमरान करेंगे सामना पहले बॉल का। अच्छा अब 86 हो गया दोस्तों, इमरान खान आज का बल्लेबाज इमरान खान सामना करेंगे पहले बॉल का। टारगेट है 86 चार ओवर का खेल। बेहतरीन बॉलिंग, पहला बॉल डॉट बॉल, विकेट भी बचे, कमाल का बॉल, विकेट भी बचे, सेमी फाइनल मुकाबला चार ओवर का ये मैच। 86 रन चाहिए जीतने के लिए चार ओवर में SSI को। बढ़िया बल्लेबाज हैं, महारत रखते हैं मुश्किल में भी इस बढ़िया बल्लेबाजी करने की, अब देखना है आज। दूसरा बॉल इमरान करेंगे सामना, और एक और डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल शहराम, बड़े खूबसूरत अंदाज में शहराम गेंदबाजी करते हुए, वेल बॉलिंग शहराम। अभी तक करवाई पहला बॉल हिट विकेट हुआ था लेकिन रहे यहाँ पे इमरान खान बढ़िया कैच भी कैरी नहीं कर पाए उस्मान जान पठान।
क्योंकि काफी आगे बॉल गिरा था। तो दूसरा बॉल फिर से बड़ी कामयाबी के साथ डॉट बॉल करवाई आपने। तीसरा बॉल पहला ओवर दौड़ते हुए अंपायर ने क्रॉस किया, बॉल किया। व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लाइन, ओह माय गुडनेस, तीन बॉल्स, तीनों डॉट बॉल्स। इमरान खान को फखरे अटक, फखरे पंजाब, लेकिन हाजी इलेवन की बल्लेबाजी के सामने वेल बॉलिंग हाजी इलेवन। इस मैच के बाद होगा फाइनल मैच। जी बिल्कुल जी, काफी अरसे के बाद आया हूँ। चौथा बॉल शहराम है बॉलर सामने, इमरान फुल टॉस एंड अ बिग वन। जबरदस्त शॉट शहराम, शॉट खेला बड़ा मजा और बल्लेबाजी की शुरुआत की। चार गेंदों पे छह रन बटोरे, चार बॉल्स हो चुके हैं, पहला ओवर जारी, चार ओवर्स का ये मैच। 86 रन का टारगेट, 86 रन चाहिए जीतने के लिए चार ओवर्स में। पहला ओवर चार बॉल, पांचवा बॉल करने के लिए शहराम, सामना करेंगे इमरान। अगला बॉल, पांचवा बॉल करेंगे, चार एक और लंबा चक्का, कैच ड्रॉप कर दिया गया, सीधा हाथों में बॉल था, दो फील्डर बॉल के नीचे थे, राणा कामरान के हाथों से बॉल टकरा के ये खतरा साबित हो सकता है। यहाँ पे टीम हाजी इलेवन के लिए इमरान खान का कैच हो गया। चार ओवर्स का मैच, दूसरी इनिंग, 86 रन का टारगेट चार ओवर्स में। सात रन दिए पांच गेंदों पे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का सिलसिला शुरू किया यहाँ पे शहराम काका ने। हाजी इलेवन मसरूफ की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए एक बेहतरीन ओवर डालने में मसरूफ, पांच गेंदों पे सिर्फ सात रन दिए। एक बार फिर से अगला बॉल शहराम क्रॉस किया, व्हाट अ शॉट, ये ओरिजिनल टाइम आया, लेकिन अभी भी मुश्किल बढ़ती हुई यहाँ पे टीम एक्सरसाइज के लिए। महज 18 गेंदे बाकी हैं, पहाड़ जैसा हदफ अभी बाकी, 73 रन करने हैं। पहले ओवर का खात्मा, तकरीबन 25 रन पर ओवर की औसत से रन करना होंगे, 13 रन पहले ओवर के इख्तिताम पे बिना किसी नुकसान के, एक बेहतरीन ओवर इख्तिताम पे 13 रन पहले ओवर के खात्मे पर। हाजी इलेवन की जानिब से अब टीम मीटिंग चलती हुई यहाँ पे देखना है, गेंदबाज उसके पास मौजूद है, राणा कामरान कामी है, उसके अलावा कबीर लेफ्टी है, उसके अलावा सलमान सल्लू है, और मेरे ख्याल से बॉल थमाई कबीर लेफ्टी के हाथों में, कबीर लेफ्टी के हाथों में बॉल थमाई यहाँ पे कप्तान से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सलमान सल्लू थोड़े डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, शायद नाखुश इस चार्ज से। कबीर लेफ्टी को ओवर दिया गया, थोड़े से आराम नजर आते हैं यहाँ पे सलमान सल्लू। तीन ओवर से बाकी सेमीफाइनल मुकाबला, 18 बॉल्स, 73 रन, पहले ओवर में 13 रन आए, 86 रन का टारगेट। अभी नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद होंगे इमरान खान, एक ही बंदा कर सकता है वो है आर के इलेवन के कप्तान। हर चीज जनाबरी, ना नींद की टेंशन, ना दिन देखा ना रात देखी, इस इवेंट के लिए मेहनत की, और आज
शोएब आलम भाई बिल्कुल एक मैच बाकी है, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई किसी किस्म का भी मसला नहीं हुआ है। एक पुरअमन तरीके के साथ जिस फाइनल का मैं जब आया था कल जब पहुंचा था तो बाबा भाई का ये कहना था कि आरके जीते या हारे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं टूर्नामेंट कामयाब हो जाए ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी। और आज इसको कामयाब बनाने में एक बड़ा अहम किरदार है रईस अहमद खान साहब का, सो आपको मुबारक पेश करता हूँ रईस भाई, माशाल्लाह से बड़ा ही जबरदस्त आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, शुक्रिया। एक शेर तो दूसरा सभा से अगर बात कमाल के कमेंटेटर तो है साथ में एक अच्छे खिलाड़ के मालिक है और बोला श्याम को एक ग्रेट एक ओवर का खेल मुकम्मल, पहले ओवर के बाद शेर आ रहा है सरजमीन पर। और माशाल्लाह बाकी जो दोस्त आए पहले बल्लेबाजी करते हुए चार ओवर में और अरसलान भट्ट चविंडा ने तगड़ी बल्लेबाजी की और फिर आखिरी तीन बॉलें हिस्से आई सलमान सल्लू के और तीनों के तीनों सिक्स लगा दिए। जो चार चांद लगाते हैं अगर हामिद राणा, बहुत शुक्रिया मिस्टर हामिद राणा। मैच किसी वजह से रुका हुआ है, कोई मशावरत की जा रही है अंपायर के साथ। जी खुर्रम मजीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी फाज भाई थैंक यू सो मच, मेरा नाम फाज शफीक। जी बहुत शुक्रिया हामिद राणा भाई, मसला भी पता नहीं है क्या इशू जो है डिस्कस किया जा रहा है। सरजमीन पे मुनक्कद किया गया टूर्नामेंट, थोड़ा सा इशू ज़रूर चलता हुआ यहाँ पे, लेकिन देखना होगा इस इशू का जो फाइनल डिसीजन है वो क्या होता है। बिल्कुल आमिर राजपूत भाई ये टारगेट करते हैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो जी कोलम भाई, इंशाल्लाह लाजमी सही जगह पे पहुंचे हो करने के लिए। जैसे कोलम जनरल साहब हमारे साथ बहुत सुनान कराची के मायनासा स्पॉन्सर जनाब इसी टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए करवाते हैं ऑल पाकिस्तान ओपन। पिछली दफा एंट्री रखी गई थी और इस दफा फ्री एंट्री रखी गई है और पहला इनाम 3 लाख देंगे। चेक कर लो तो हमारे तमाम भाई एक से बात कर रहे फकरे सियालकोट अरे सही भाई फकरे नालेदार फकरे पंजा यासर भाई और यासर भाई ये नहीं है कि खाली एक कमेंटेटर है एक ब्रॉडकास्टर है नहीं, जो मेहनत इन्होंने कमाई है वो अपने नाम और अपने मेहनत की वजह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलग पहचान बना चुके हैं, एक नाम बना चुके हैं। दोनों टीमों का कोई इशू चल रहा है डिस्कस किया जा रहा है अंपायर्स के साथ, दोनों टीमों को यहाँ पे कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसकी वजह ये है कि यहाँ में राणा भाई ये भी मसला पता नहीं क्या है दोनों टीमों के दरमियान भाई, और अचानक जो है दोनों टीमें आके डिस्कस करना शुरू कर दिया दोनों टीमों ने लगा देते हैं, तो इस तरह का कोई अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई मामला तो नजर नहीं आया। अल्लाह करे कामयाब तरीन टूर्नामेंट जो है वो जफरवाल का कंसीडर किया जाएगा। ये वाला बिल्कुल फ्री एंट्री थी इस टूर्नामेंट के अंदर,
और पहला इनाम 1,250,000 था लेकिन इनाम को और तीसरा इनाम 25,000 था, जबकि इस इनाम को बढ़ा के पहला इनाम 1.5 लाख कर दिया गया है। बाकी दूसरा और तीसरा इनाम ऑलमोस्ट सेम है। जी हामिद राणा जो है अगले किसी मैच में कोशिश करेंगे, इसमें अभी कबीर लेफ्टी का भी बना, यहाँ पर पहले मसला बना हुआ है, कबीर लेफ्टी जो है डाउटफुल बॉलिंग के जुमरे में आ रहे हैं वो। और सभी टीमें सभी प्लेयर्स आपस में ये खेलते भी रहते हैं। हामिद राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस मैच को एंजॉय करते हुए। कुछ नहीं जनाब, बस एक्शन का थोड़ा सा इशू है, वो जैसे ही रिजॉल्व होता है तो इंशाल्लाह आपको मैच जो है वो दोबारा देखने को मिलेगा। मैं बताते चलूँ, इससे पहले कल के पूल के जो मैचेस हुए थे उसमें तमाम तर टीमों को पछाड़ते हुए साही 11 डस्का ने फाइनल के अंदर जगह बना ली थी। आज के इस पूल के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, जी हामिद राणा भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैच भी रुका हुआ है और आप देख रहे हैं कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुकाबला जारी है आज के दिन का। तो ये चीज़ है, अभी देखते हैं कितने वक्त तक ये मैच रुका रहता है। हाजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो एसएसआई बॉलिंग जो थी वो रेंज की दीवार साबित हुई हाजी 11 की बल्लेबाजी के सामने। हाजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मैच में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है साही 11 डस्का। गेंदबाजी कर रहे हैं मुजम्मल मलिक ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। एक बॉलर कबीर है शायद एक्शन डाउटफुल है, उसकी वजह से डिस्कस चल रही है यहाँ पर। 73 डाउटफुल एक्शन मुजम्मल बॉलर आई थिंक या कबीर ओवरनाइट वर्क करना। जी बहुत शुक्रिया जनाब, वैसे भी इशू चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर हामिद राणा राणा तौहीद। अभी क्लियर कर दिया जाएगा जो एक बॉलर का एक्शन डाउटफुल यहाँ पर बता रहे हैं। भाई मैं आ जाओ ओवर करने, चौधरी चौधरी साहब आ जाओ तुम आ जाओ। सेमीफाइनल मुकाबला 3 ओवर्स का खेल बाकी, 1 ओवर में 13 रन आया, 86 रन का टारगेट। एस एस आई 11 बैटिंग करते हुए एस एस आई 11 सियालकोट वर्सेस सियालकोट, दोनों टीमों का ताल्लुक सियालकोट से। हाजी 11 वर्सेस एसएसआई 11। यार करोड़ च कोई बंदा ना आए, मौसम की खराब हो गई है, मेहरबानी करो मोबाइल जो डिसीजन लेने ने जल्दी शुरू करो, मेहरबानी सारे फालतू बंदे बाहर आ जाओ यार, ऐसा हो जाता है। कबीर लेफ्टी ओवर करने के लिए आए थे, एसएसआई ने एतराज कर दिया है, एक्शन डाउटफुल। आमिर अजमल भाई हो गया मसला हल आई थिंक। अच्छा जी शानी शाहपुर मंगू से, शानी शाहपुर मंगू से किधर है जी नौजवान आदमी। मलक मोहसन अली पूछ रहे हैं जी, जी यहाँ पर मौजूद है शानी, मसला हल कर लिया गया है आई थिंक। हाँ जी 11 वर्सेस एसएसआई 11। एसएसआई के ओनर्स का शुक्रिया करो ने जो अंपायर्स और कमेटी है टूर्नामेंट की, उनकी बात को समझा, उनके हम बेहद खुशकूर हैं जनाब। तो जल्दी से जल्दी जाओ मैच शुरू करा दे, तमाशे सारे यार बाहर आ जाओ।
मेहरबानी सारे बाहर निकल जाओ, मैच शुरू हो गया, फाइनल है, इस तो बाद है मैच, इसके बाद फाइनल भी है और मौसम भी खराब है, बड़ा मेहरबानी राणा तौहीद भाई फाइनल में साहिल 11 डस्का और अब ये दूसरा सेमीफाइनल जारी। तैमूर मिर्जा ने यह मैच हो रहा है जफरवाल में, तहसील जफरवाल जिला नारवाल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी। मैच होने जा रहा है स्टार्ट, 3 ओवर्स का खेल बाकी, पहले ओवर के बाद 13 रन्स, 86 रन्स का टारगेट, तकरीबन 25 रन पर ओवर दरकार। इमरान करेंगे सामना, दूसरा ओवर, 13 रन, जी मोहसिन भाई सलाम कह देते हैं, शानी भाई मोहसिन भाई सलाम कह रहे हैं। इमरान SSI 11 के बेहतरीन बल्लेबाज, अभी भी पुर अजम, 25 रन पर ओवर तकरीबन चाहिए, 3 ओवर का खेल है बाकी। इमरान खान करेंगे सामना, दूसरा ओवर पहला बॉल, दोबारा स्टार्ट, पहले ओवर में 13 रन है, दूसरे ओवर का पहला बॉल, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ बिग वन, पहली बॉल पर बेहतरीन छक्का, 19 रन, पहली बॉल पर शानदार स्ट्रोक, 6 रन, कैच छोड़ा था हाजी लंग के फील्डर राणा कामरन कामी ने, 19 रन। इमरान खान को कैचेस निकालना चाहिए, देखना बाकी है दोस्तों, इमरान मोहसिन वेलकम, कबीर लड़की को ये छोटा, इमरान खान दूसरे बॉल का सामना करेंगे, 19 रन, दूसरा ओवर जारी और कबीर लड़की करेंगे अगला बॉल, बीट कर दिया इमरान को, अच्छा कमबैक, स्टार्ट करवाने में, दूसरा ओवर जारी, 2 बॉल हो चुके हैं, 19 रन, 4 बॉल इस ओवर की बाकी, 4 ओवर का ये मैच, इमरान सामना करेंगे अगले बॉल का, और अच्छा बॉल, एक बार फिर रन आउट का चांस, मिस कर दिया रन आउट, 20 रन, 3 बॉल हो चुकी है, दूसरा ओवर जारी, 20 रन, साहिल एंडस का के गेस्ट प्लेयर हैं जेबी भट्ट, हॉलीवुड कप्तान एंड एम अब्दुल कुलफी फ्रॉम गुजरांवाला, करीबन 25 की औसत से रन चाहिए अगर मैच में बनने रहना है तो, 3 बॉलों पर 7 रन दे चुके हैं, चौथा बॉल सामना करेंगे कली मुल्तानी, गुड शॉट बट स्ट्रेट टू द फील्डर, जस्ट अ सिंगल, 21 रन उसके दोस्तों, मजीद जनाब 65 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 5वां बॉल दोस्तों, 11 छक्के, 65 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, दूसरे ओवर का 5वां बॉल करेंगे, सामना करेंगे जनाब इमरान खान, इमरान खान अटैक करेंगे अगला बॉल, और बॉल हवा में, 4 रन, स्कोर चाहिए अभी 60 मेरे ख्याल में, 13 गेंदों पर 60 रन चाहिए एसएसआई फैंटेसी पर जाने के लिए, तेरा बॉल्स है बाकी, 60 रन चाहिए जीतने के लिए, दूसरे ओवर का लास्ट बॉल करेंगे, दूसरा ओवर जारी, 25 रन,
लास्ट बॉल करेंगे जनाब कबीर लेफ्टी सामना करेंगे इमरान खान नाटक पहली बॉल पे छक्का करेंगे इमरान सामना करेंगे कबीर का बड़ा शॉट बेहतरीन छक्का शानदार स्ट्रोक 55 31 इमरान खान अटक दूसरे में मौजूद है दो ओवर्स बाकी 12 बॉल 55 रन मालिक मोहसिन हमारे साथ मौजूद वेलकम टू पंजाब मैक्स सेमीफाइनल मुकाबला दो ओवर है बाकी दो बजकर 40 मिनट हो चुके हैं जनाब दो ओवर बाकी हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच जी आपकी मोहब्बत है टेबल मक्का के लिए आपकी मोहब्बत है टेबल क्रिकेट के लिए पचपन रन चाहिए जीतने के लिए दो ओवर में बता देगा कि कौन सी टीम फाइनल में साई इलेवन टस्का के साथ टकराएगी और कौन ले जाएगी 1,00,000 रुपया और कौन ले जाएगी 55,00,000 दो ओवर्स बाकी अजहर शेराजी शेराजी 11 गुजर वेलकम टू पंजाब मैक्स अजहर शेराजी बेहतरीन क्रिकेट के प्लेयर क्रिकेट के बड़े शानदार प्लेयर हैं सरदार नजाकत वेलकम पहला बॉल तीसरा ओवर और बीट कर दिया सलमान सलू ने वेल बॉलिंग सलमान सलू 11 बॉल्स का खेल है बाकी 11 बॉल्स बाकी सेमीफाइनल मुकाबला 55 रन चाहिए जीतने के लिए 11 बॉल्स एस एस आई वर्सेस हाजी 11 सलमान सलू अगला बॉल वाला शॉट जबरदस्त छक्का बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन 49 10 बॉल्स का खेल बाकी 49 रन 49 रन चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 10 बॉल्स है बाकी सलमान सलू अपना तीसरा बॉल करने के लिए व्हाट अ शॉट 4 रन गैप में खेला गया शॉट बेहतरीन टाइमिंग 4 रन 9 बॉल्स और 45 रन 9 बॉल्स बाकी 45 रन चाहिए जीतने के लिए 9 बॉल और छक्के सलमान सलू अगला बॉल करने के लिए तैयार अच्छा बॉल सिर्फ एक स्कोर 44 8 बॉल्स है बाकी इमरान खान आ चुके हैं सामने बॉलर हैं सलमान सलू तीसरा ओवर जारी सलमान सलू अगला बॉल और शॉट फील्डर मौजूद बेहतरीन फील्डिंग 43 7 बॉल्स सलमान सलू आखिरी बॉल करने के लिए व्हाट अ शॉट दैट्स अ बिग वन जबरदस्त छक्का अब 6 गेंद पर दोस्तों 37 रन चाहिए 6 बॉल और 37 रन 37 रन चाहिए 6 बॉल पर जीतने के लिए6 बॉल 37 रन सेमीफाइनल टाकरा और फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी दी आची इलेवन बसु टूर्नामेंट की
कामरान कामी इस टाइम 37 रन चाहिए 6 बॉलों पर, तो नर्वस नजर आ रहे हैं। 6 बॉल 37 रन, इस बात की समझ में आखिरी 6 बॉल सेमी फाइनल टकरा। इमरान खान 37 रन चाहिए जीतने के लिए। पहला बॉल जबरदस्त बॉलिंग, वेरी वेल बॉल यार, छत्तीस रन 5 बॉल, 5 बॉल 36 रन कर सकते हैं। कामरान लवली जबरदस्त बॉलिंग, 4 बॉल्स बाकी 36 रन, 4 बॉल्स और 36 रन। हाजी 11 की ग्रिप मुकम्मल मजबूत मैच पर, मैच SSI के हाथों से निकल चुका। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच। इस तरह ये मैच हुआ खत्म। फाइनल मैच में दोबारा आते हैं, हाजी 11 वर्सेस साही 11 डस्का।